जो है वहाँ भी हम लोग जो है सभी लोगों से बिहारियों से जो लोग वहाँ रहते हैं उनसे भी मुलाकात की है। आज ऐतिहासिक दिन है और जो महागठबंधन की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों ने जो कमिटमेंट किया था उसको हम लोग सब लोग मिलकर के हम लोगों ने पूरा किया है और ये सिलसिला जो है यहाँ रुकेगा नहीं बल्कि ये तो शुरुआत है। बीजेपी कह रही है कि पैसे लेकर नौकरी दी जा रहा है, फर्जीवाड़े की बात आरोप लगा रही है। उनको भगवान जो है भगवान का आशीर्वाद जो है उन पर रहे। सही से जो है बीजेपी के लोग जो हैं उनको पता होना चाहिए महीने के अंदर लोगों को नौकरियां मिली, विज्ञापन निकाला गया, फॉर्म भरा गया, पार्टिसिपेट हुआ एग्जामिनेशन में, रिजल्ट आ गया। ये प्रक्रिया इतनी जल्दी हुई है और पूरे देश में पहली बार लाखों के तादाद में जो है एक विभाग जो है एक दिन में लाखों नियुक्ति पत्र बांट रहा है। तो बीजेपी को तो तकलीफ तो हो गई, तो परेशान है, घबराए हुए लोग हैं और यहाँ हम लोग नौकरी बांटेंगे और फिर से ईडी और इनकम टैक्स का वो लोग छापा मरवाएंगे। तो ये तो अब सिलसिला जो है चलता रहेगा क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, वो लोग जो कहते हैं वो जुमलाबाजी होता है, केवल चुनाव तक ही सीमित रहता है। अरे भैया बीजेपी के लोग 18 साल रहे ना बिहार सरकार में, केंद्र की सरकार में रहे, डबल इंजन की सरकार रही, क्यों नहीं हजारों में भी नौकरियां दी, दे देते नौकरी। नरेंद्र मोदी 50,000 नीतीश कुमार ने कहा रेडी नरेंद्र मोदी 50,000 मुख्यमंत्री ने कहा है। देश के जो सबसे ज्यादा जो महानायक है तो उनका नाटक तो चलवे ना करेगा, महानायक ना है भाई। आप लोगों को समझना चाहिए, क्रेडिट की बात ही नहीं है ना। हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन की सरकार इसीलिए बनी है ताकि हम लोगों को नौकरियां दे। एक समाजवादी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देते हैं कि उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने एक विभाग ने इतनी नौकरियां दी। अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है।